नमस्कार, न्यूज़लाइन में आपका स्वागत है। आज की खास खबरों को लेकर मैं हूं मधु। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मधुस्थली विद्यापीठ, नए सत्र में 11वीं का नामांकन प्रारंभ, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस फैकल्टी का नामांकन शुरू हो चुका है। मधुस्थली विद्यापीठ मधुपुर, एडमिशन गोइंग ऑन इन क्लास 11, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल इन क्लास 11 इन 3 स्ट्रीम्स कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस। कॉन्टैक्ट 8084272772 9931565416। मधुपुर महाविद्यालय में इंटर प्रथम वर्ष में नामांकन को लेकर नामांकन समिति की बैठक प्रभारी प्राचार्य डॉ. रत्नाकर भारती की अध्यक्षता में हुई संपन्न। मधुपुर महाविद्यालय मधुपुर में इंटर में नामांकन को लेकर नामांकन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी प्राचार्य डॉ. रत्नाकर भारती ने किया। समिति ने मेघा सूची तैयार कर 31 अगस्त से 14 सितंबर तक नामांकन लेने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया। नामांकन में झारखंड सरकार के आरक्षण नीति का अक्षरशः पालन किया जाएगा। कला और विज्ञान संकाय के छात्र छात्राओं का नामांकन ऑनलाइन किया जाएगा, जबकि वाणिज्य संकाय के छात्र छात्राओं का नामांकन ऑफलाइन महाविद्यालय में होगा। छात्र छात्राओं का नामांकन संबंधी आवश्यक कागजात व प्रमाण पत्रों का सत्यापन 21 सितंबर से 30 सितंबर तक महाविद्यालय परिसर में होगा। वैसे छात्र छात्रा जो अब तक अप्लाई नहीं कर पाए हैं, उनका ऑफलाइन नामांकन प्रत्यक्ष रूप से वाणिज्य संकाय में लिया जाएगा। नामांकन प्रपत्र के सत्यापन में अगर किसी प्रकार की त्रुटि या गलती पाई जाएगी तो नामांकन रद्द कर दी जाएगी। मेगा सूची का प्रकाशन 30 अगस्त को महाविद्यालय के सूचना पट एवं वेबसाइट पर कर दिया जाएगा। बैठक में डॉक्टर भरत प्रसाद, डॉक्टर रंजीत कुमार, डॉक्टर नूर नबी अंसारी, रंजीत कुमार होरेन हाजदा, जफर हुसैन, रामचंद्र झा, अंशु श्रीवास्तव, कुंदन कुमार उपस्थित थे। आज महाविद्यालय नामांकन समिति की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पूर्व से निर्धारित सीट के अनुसार ही तत्काल महाविद्यालय में नामांकन लिया जाएगा। हमारे महाविद्यालय में आर्ट्स में 512, विज्ञान संख्या में 512 एवं वाणिज्य संख्या में 512 सीट निर्धारित है, जिसमें झारखंड सरकार के आरक्षण नियम का अक्षर सा पालन करते हुए नामांकन लिया जाएगा। एसटी समुदाय के बच्चों को 26% आरक्षण, एससी समुदाय के बच्चों को 10% आरक्षण, ओबीसी वर्ग के बच्चों को 8% आरक्षण, ओबीसी के बच्चों को 6% आरक्षण दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के वैसे छात्र जो ईडब्ल्यूसी सर्टिफिकेट अप्लाई के समय दिए होंगे उन्हें 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। कुल ये नामांकन इंटर प्रथम वर्ष में नामांकन दिनांक 31/8/2021 से लेकर 14/9/2021 तक ऑनलाइन लिया जाएगा। दिनांक 21/9/2021 से नामांकित छात्र छात्राओं का पेपर भी वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसमें अगर कोई छात्र छात्रा नामांकित छात्र छात्रा अगर गलत, जाली या फर्जी मार्कशीट या प्रमाण पत्र दिए होंगे तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा और नामांकन शुल्क भी ऐसे छात्रों को वापस नहीं किया जाएगा। प्रथम वर्ष में कला संकाय के बच्चों का नामांकन ऑफलाइन महाविद्यालय परिसर में ही लिया जाएगा और ये सारे नामांकन लेने के पश्चात मेरा प्रयास है कि जितना जल्दी हो सके प्रथम वर्ष का कक्षा प्रारंभ कर दिया जाए। धन्यवाद। मधुपुर महाविद्यालय में बीएड एवं पॉलिटेक्निक की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में हो रही है संचालित। मधुपुर महाविद्यालय मधुपुर में बीएड और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेमेस्टर 6 की परीक्षा शांतिपूर्ण संचालन हो रही है। शुक्रवार को यूजी सेमेस्टर 6 के तीनों संकाय कला विज्ञान वाणिज्य में पास कोर्स विषय की परीक्षा हुई, जिसमें कुल 52 छात्र उपस्थित हुए। वहीं बीएड सेमेस्टर 4 की परीक्षा में कुल 289 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी।
जिनमें चाणक्य बीएड कॉलेज के 91, मधुस्थली विद्यापीठ के 99 और राहत बीएड कॉलेज के 99 छात्र छात्रा उपस्थित थे। बीएड और यूजी की परीक्षा प्रथम पाली में ली गई, जबकि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेमेस्टर 6 की परीक्षा द्वितीय पाली में आयोजित हुई, जिनमें अलग अलग ट्रेड में कुल 212 छात्रों ने परीक्षा दी, जबकि एक छात्र अनुपस्थित रहे। सिविल में 60, इलेक्ट्रिकल में 38, मैकेनिकल में 39, कंप्यूटर साइंस में 30 और माइनिंग में 45 छात्रों ने परीक्षा दी। परीक्षा को कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर प्रभारी प्राचार्य डॉ. रत्नाकर भारती और परीक्षा नियंत्रक रंजीत कुमार प्रसाद तत्पर दिखे। वहीं महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा परीक्षा को संपन्न कराने को लेकर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। परीक्षा में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन हो रहा है। नगर परिषद के द्वारा महाविद्यालय परिसर को पूरी तरह से सैनिटाइज कराया जा रहा है। परीक्षा कक्ष को भी सैनिटाइज किया गया। आज हमारे यहाँ यूजी सेमेस्टर 6 सेक्ट नंबर की परीक्षा प्रथम पाली में थी, जिसमें कुल परीक्षार्थी 52 थे। उसमें एक परीक्षार्थी एब्सेंट थे, यानी 51 बच्चे परीक्षा में भाग लिए। और प्रथम पाली में बीएड की परीक्षा में कुल 289 बच्चे भाग लिए, सारे के सारे बच्चे प्रेजेंट थे। और द्वितीय पाली की परीक्षा में कुल परीक्षार्थी की संख्या 213 बच्चे परीक्षा दिए, जिसमें एक बच्चे एब्सेंट थे, यानी 212 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए हैं। दोनों पाली की परीक्षा स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हुई है और आशा करते हैं कि हमारे केंद्र पर आगामी जो भी परीक्षा होगी वह पूर्णतः स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त माहौल में ही संपन्न की जाएगी। बच्चे भी कोऑपरेट कर रहे हैं, अच्छे से परीक्षा दे रहे हैं और हमारे इन्विजिलेटर भी तत्परतापूर्वक परीक्षा ले रहे हैं। प्रेम के चक्कर में लड़की की जिंदगी हुई बर्बाद, मामला पहुंचा मधुपुर थाने। प्रेम के चक्कर में एक युवती की जिंदगी बर्बाद हो गई। मामला मधुपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर का है, जहां की एक युवती को बुढ़ई थाना क्षेत्र के अररिया पहरी गांव का मोहम्मद मुश्ताक ने पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर विवाह का झांसा देकर घर से भगा ले गया। दो रात सुनसान घर में रख कर कई बार शारीरिक संबंध बनाए, फिर युवती को घर लाकर छोड़ दिया व खुद फरार हो गया। युवती आज मधुपुर महिला थाना में आवेदन लेकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन में युवती ने लिखा है कि आरोपी अपने एक सहयोगी के साथ 24 अगस्त की रात 10 बजे उठा ले गया था। उसे सुनसान जगह पर रखकर आरोपी ने कई बार शारीरिक संबंध बनाए तथा 26 अगस्त की पहले सुबह 4 बजे घर लाकर छोड़ दिया। मधुपुर के रेलवे इंस्टीट्यूट सभागार में ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन का 15वां द्विवार्षिक साधारण सभा सह युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान रेल कर्मचारियों की समस्याओं से यूनियन के नेताओं ने अवगत कराते हुए समाधान के बारे में जानकारी दी, साथ ही आय ब्यौरा रखा। इस दौरान यूनियन के नेता ने कहा कि यूनियन हमेशा कर्मचारियों के हित की बात करती है। सरकार रेल को निजी हाथों में सौंपने का प्रयास कर रही है, जिसे किसी भी हाल में नहीं सफल होने दिया जाएगा। कहा कि एकजुट होकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ें, तभी आपकी जीत सुनिश्चित होगी। इस दौरान मधुपुर समेत अन्य जगहों से आए यूनियन के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में प्रबंधन समिति की हुई बैठक। करौ प्रखंड स्थित प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय का नवगठित विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्राओं को इसके लिए 13 मुख्य बिंदु पर परिचर्चा सविस्तार से किया गया। शिक्षा प्रचार पदाधिकारी विनोद कुमार तिवारी ने मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करते हुए कहा कि 100% छात्राओं की उपस्थिति हो, नामांक के लिए गांव टोलों में संपर्क अभियान चलाया जाए, लगातार नामांकन समीक्षा पर ध्यान सभी सदस्य को देना है। शिक्षाविद संसाधन कार्यकर्ता राकेश कुमार राय ने कहा, विद्यालय का संचालन सुचारू रूप से चले इसके लिए सभी सदस्यों को सदैव सक्रिय रहना है। विद्यालय के हर कार्यक्रमों में हिस्सा लेना अनिवार्य है। छात्राओं की बेहतर शिक्षा से बेहतर समाज का निर्माण होता है। मौके पर प्रधानाध्यापक सुनील लक्ष्मीराम का, कृष्ण कुमार पंडित, लक्की बावरी, रेखा देवी, रिंकी बल आदि कई लोग उपस्थित थे। लड़की का एडमिशन लड़की स्कूल में होना चाहिए,
लड़का स्कूल में क्यों पढ़ेगा, जब सरकार व्यवस्था दिया है कि लड़की को लड़की स्कूल में पढ़ना है तो उस लड़की का नामांकन होना चाहिए लड़की स्कूल में। कल भविष्य में कुछ खुदा न खास्ते ऐसा बात हो जाए तो इसका भार कौन लेगा। जो सरकार व्यवस्था किया है उसका हम लोग प्रस्ताव में लाएंगे, उच्च अधिकारी इस पर विचार करेंगे, अगर हो सकता है तो करेगा। मधुपुर में वैदिक सप्ताह सह संस्कृत सप्ताह समारोह का हुआ आयोजन। गुरुवार को आर्य समाज एवं संस्कृत भारती के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित वैदिक सप्ताह सह संस्कृत सप्ताह के पांचवें दिन नापितपाड़ा मीना बाजार में श्री राम अचल यादव जिला सह संयोजक संस्कृत भारती के घर पर विधि विधान से हवन पूजन एवं सत्संग पुरोहित श्यामकांत पांडे जी के द्वारा संपन्न कराया गया। इस अवसर पर वेद में निहित गुणों तथा संस्कृत की महिमा एवं संस्कारों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर आर्य समाज के वरिष्ठ प्रधान जालेश्वर प्रसाद यादव के साथ साथ आर्य समाज एवं संस्कृत भारती के कार्यकर्ता जिसमें छट्टू रामदास, प्रकाश चंद्र पंडित, हरदेव मंडल, विनोद मोदी सहित मोहल्ला के दर्जनों माताएं एवं बहनें उपस्थित होकर लाभ प्राप्त की। रविवार को अग्रसेन भवन में मधुपुर मारवाड़ी महिला समिति के द्वारा रक्तदान शिविर का होगा आयोजन। रविवार को स्थानीय अग्रसेन भवन में मधुपुर मारवाड़ी महिला समिति द्वारा एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुख्य अतिथि SDO सौरभ भुवानिया के द्वारा शिविर का उद्घाटन होगा। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी देवघर जिला के चेयरमैन रितेश राजपाल मौजूद रहेंगे। साथ ही मारवाड़ी पंचायत, मारवाड़ी युवा मंच, रोटरी क्लब, योर्स क्लब, लायंस क्लब, रिक्रिएशन, रेड क्रॉस सोसाइटी मधुपुर सहित अन्य सामाजिक संगठन भी मौजूद रहेंगे। समिति का उद्देश्य सामाजिक कल्याण एवं उत्थान है, साथ ही रक्तदान महादान की जागरूकता भी फैलाना है। रक्तदान से संबंध पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर बैठक की गई। बैठक में अध्यक्ष मीता गुटगुटिया, सचिव रूपा गुटगुटिया, सुमन गुटगुटिया, गायत्री टिबड़ेवाल, सरोज चमड़िया, अनुषा डालमिया, कविता अग्रवाल, लक्ष्मी कनोड़िया आदि मौजूद थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।